लॉकडाउन के चलते व्यवसायियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर व्यापारियों ने भी नए नए तरीके से इजाद करके अपनी दुकानदारी शुरू की है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर भी अपना प्रतिबंध का डंडा चलाकर उनसे दंडात्मक रकम वसूल की है। इसी सिलसिले में श्रीचंद क्लॉथ स्टोर्स मालिक ने अपने घर से बिक्री शुरू की, जिस पर पालिका प्रशासन और महसूल विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करके व्यवसायी से 10,000 का जुर्माना वसूल किया। इस कार्रवाई के वक्त उप विभागीय अधिकारी चंद्रबान खंडाइत, पालिका मुख्याधिकारी अनिल जगताप के उपस्थिति में कोरोना प्रतिबद्ध पथक ने कार्रवाई की। इस समय व्यवसायी से 10,000 का दंड वसूला गया। दुकान में करीब 12 लोग बिना मास्क के मिले, उनसे भी बिना मास्क के होने पर दंडात्मक कार्रवाई की गई, जिसमें मंडल अधिकारी हेमने, मंडल अधिकारी मसाड़े, पटवारी वाटोरे, कोरोना पथक प्रमुख सुरेश आड़ेवार, अनिल झाड़े, विशाल ब्राह्मणकर, रऊफ खान, महेंद्र नक्की, किशोर कुमरे, होमगार्ड अक्षय दाते, बाड़ू गेडाम, पिंटू वकील, इन्होंने की। महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार आणि माननीय जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा प्राधिकरण यांच्या आदेशानुसार काल रात्री 8 वाजतापासून म्हणजे बरेचसे निर्बंध कोविड अंतर्गत म्हणजे कडक केलेले आहेत, तर त्या अनुषंगाचा भाग म्हणून आपण आता संयुक्त म्हणजे नगरपालिका प्रशासन आणि महसूल प्रशासन तसेच पोलिसांनासुद्धा आम्ही एकत्र काम करण्यासाठी पेट्रोलिंग अंतर्गत नाही का म्हणजे ते अंमलबजावणी बरोबर होती किंवा नाही याची निगराणी त्याअंतर्गत आपण पूर्ण शहरावर म्हणजे हिंगणघाट शहरावर तर या निगराणी दरम्यान आता कारवाई केली होती आपण हो आता त्या नगर परिषदेला ते लक्षात आलं तिथं काहीतरी ते म्हणजे विकत आहेत म्हणून कापणं पण कापड नाही का दुकान सुरू होतं सर इथे हां घरच्या याच्यामध्ये तिथं जवळपास 10-12 काहीतरी गिरायक आहेत आढळून आले। बीसीएन न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी येनोरकर की रिपोर्ट।